वेलकम टू माय चैनल शुभम फॉर यू। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में आज देख रहे हो कि ये आपको कभी ना कभी फेस इसका करना पड़ा होगा दोस्तों, या नहीं करना पड़ा है तो हो सकता है आगे आपको करना पड़ जाए। कि दोस्तों, ये अधिकतर सभी यूट्यूबर्स के साथ होता है, चाहे वो छोटे यूट्यूबर हो चाहे बड़े यूट्यूबर हो, ये सबके साथ ऐसा होता है दोस्तों। इसमें आपके दिमाग में ये टेंशन आने लगती है कि कहीं मेरा चैनल डीमोनेटाइज तो नहीं कर दिया जाएगा, या मेरा चैनल डीमोनेटाइज तो नहीं हो गया। तो दोस्तों, आज मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में क्लियर बताने वाला हूँ कि इसका मतलब क्या होता है और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है आपके चैनल में, और आपके चैनल में इससे क्या हो सकता है और क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल शुभम फॉर यू, और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि आपके चैनल में, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आप कभी कोई वीडियो अपलोड करते हैं दोस्तों, तो जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हो तो मान लो कि आपके जो ब्राउजर होता है, क्रोम ब्राउजर, जिस भी ब्राउजर से आप वीडियो अपलोड करो तो उसमें कभी कभी कोई एरर हो जाता है दोस्तों, कोई फाइल अपलोडिंग में एरर हो जाता है, जिसके कारण वो आपका डीमोनेटाइज जो ऑप्शन होता है उसमें आपका रेड कलर शो होने लगता है और आप डिस्टर्ब होने लगते हैं कि हमारे चैनल डीमोनेटाइज तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये कभी कभी हो जाता है, सबके चैनल पर हो जाता है दोस्तों। जैसे ही आप वीडियो अपलोड करते हो तो आपके क्रोम ब्राउजर या नेट की स्पीड कम हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है ऑटोमेटिक टेक्निकली, जो कि आपको पता नहीं चलता कि ये कैसे होता है, और ये आपके चैनल में कुछ इस तरह से एरर शो होने लगता है दोस्तों। तो इससे माइंड डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। ये कैसे ठीक होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, या कोई सेटिंग ऐसी नहीं है जिससे ये सही हो जाए दोस्तों। इसका रीजन ये होता है कि ये ऑटोमेटिक ही सही होता है दोस्तों। आप अपना वीडियो उसमें अपलोड कर दीजिए, वीडियो अपलोड करने के बाद आप उसमें करीब 5 मिनट जब बाद जब उसको आप रेफरेंस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ये एरर सही हो जाता है दोस्तों। ये नेट की प्रॉब्लम होती है या आपके ब्राउजर की प्रॉब्लम होती है दोस्तों, कभी कभी आपके ब्राउजर की ही प्रॉब्लम ज्यादातर ये होती है दोस्तों। आप एक बार इसको वीडियो जब आप अपलोड कर दें, जिस वीडियो में भी ये मैसेज शो हो रहा हो, आप उस वीडियो को अपलोड कर दें, और अपलोड करने के बाद आप उसको रिफ्रेश करेंगे 5 मिनट बाद, तो आप देखेंगे कि आपका चैनल में जो भी ये एरर शो हो रहा था दोस्तों, ये अब नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर ऐसी आपकी आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो दोस्तों, आप एक बार जरूर इसको ट्राई करिएगा, और आपका वीडियो और आपके चैनल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुभम फॉर यू।